एम तो आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन सा एग्जांपल हमको दिया गया है तो आज हमको एग्जांपल दिया हुआ है कुछ ऐसा एक कॉश एक्स प्लस बी साइनेक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एम एंड ए साइन एक्स माइनस बी कॉश एक्स इज इक्वल टू हमको दिया गया है एम उसके ऊपर से हमको प्रूव करना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो हमको वैल्यू पता है एम की एंड एन की तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को यूज करके लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे चलिए राइट हैंड साइड हमको क्या दी गई है राइट हैंड साइड हमको दिया गया है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर चलिए एम की वैल्यू क्या है एम की जगह पे है एस एक्स प्लस बी साइन एक्स का स्क्वायर प्लस एन की जगह पे क्या है ए साइन एक्स माइनस बी पॉस एक्स का स्क्वायर चलिए स्क्वायर है तो सिंप्लीफाई कर दे दे ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू ए बी यानी कि टू ए कॉस एक्स बी साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्र माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू ए बी माइनस टू ए साइन एक्स एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्र कॉस स्क्र एक्स चले यहाँ पे देखिए टू ए कॉस एक्स बी साइन एक्स टू ए कॉस साइन एक्स बी कॉस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे बचा क्या यहाँ पे देखो ए तो दोनों में से क्या कॉमन निकल लेंगे cos square X common ले लिया, तो बचा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों में से साइंस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या साइंस स्क्वायर एक्स कॉमन तो बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगेन इन दोनों में से बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा क्या तो हमको पता है, कि क्या होता है? One, तो ये हो जाएगा वन तो ये हमको आंसर मिल जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो हमको प्रूव करने के लिए बोला गया